हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किसी भी फाइल या फोल्डर को जिप या अनजिप कैसे कर सकते हैं विद पासवर्ड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू में जाएंगे और एक ये मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया न्यू के नाम से। तो ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। अब इसको जिप करने के दो तरीकों से आप जिप कर सकते हैं। या तो आप 7-Zip का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर WinRAR का। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे सिस्टम में अभी दोनों ही इंस्टॉल हैं, तो मैं आपको दोनों ही तरीकों से दिखाता हूं कि कैसे इसको जिप करना है, देन फिर अनजिप भी करना है विद पासवर्ड। तो सबसे पहले 7-Zip का यूज़ करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, 7-Zip ऑप्शन में जाएंगे, ऐड टू आर्काइव। यहाँ पे ऐड टू आर्काइव में इस विंडोज़ खुल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करना है डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पासवर्ड देना है 123 123। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दें। ये तो मैंने डेमो पर्पज़ के लिए अभी 123 पासवर्ड दिया है। और यहाँ पे आप जो आर्काइव फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो डिफ़ॉल्ट नेम सेम ही उठाता है। ठीक है, तो ये सब सेटिंग सेम रहेगी। आप फॉर्मेट भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कंप्रेशन लेवल तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल ही रखा है। कंप्रेशन मेथड, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ एक फाइल क्रिएट होकर आ जाएगी जो जिप हो गई है। तो अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा 123। ओके, तो ये हमें डॉक्यूमेंट का एक्सेस हो गया पासवर्ड के थ्रू। तो अब मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ कि आप WinRAR से कैसे इसको जिप कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे अगेन फाइल पे, ऐड टू आर्काइव में जाएंगे, विंडोज़ खुल जाएगी विंडोज़ आर्काइव की। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है, आप इन आर्काइव फॉर्मेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये कंप्रेशन मेथड नॉर्मल है, डिक्शनरी साइज है, ये सब डिफ़ॉल्ट रहता है। यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं 123 123। और यहाँ पे भी इनक्रिप्ट फाइल नेम्स है। ओके देन ओके। तो आप देख पा रहे हैं एक WinRAR की फाइल जिप हो गई आ गई और एक 7-Zip की। तो दोनों ही सेम तरीके से हुई है, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। आप इसको भी ओपन करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा 123। तो जैसे ही ओपन किया ये हमें एक्सेस हो गया हमारी फाइल का। अब इन दोनों को हमें अनजिप कैसे करना है विद पासवर्ड, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम 7-Zip वाली फाइल को देखते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, 7-Zip ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ है एक्सट्रैक्ट हेयर। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हेयर पे करेंगे तो अगेन पासवर्ड पूछेगा 123। तो जैसे ही ओके करेंगे तो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट कर रही है डेस्कटॉप पे, इसलिए ये कह रहा है कि आप या तो इसको मर्ज करना चाहते हैं या ऑटो रीनेम कर दो। तो हम ऑटो रीनेम कर देते हैं ये जानने के लिए, हमें पता लग जाए कि हमारी फाइल दूसरी आई है इस नेम से। तो ऑटो रीनेम करेंगे तो ये हमारी फाइल आ गई न्यू वन के नाम से। तो ये सेम डॉक्यूमेंट है जो डिक्रिप्ट हो चुका है, मतलब अनजिप हो चुका है। अब इसी फाइल को यहाँ पे, अब WinRAR फाइल को भी यहाँ से कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर। तो जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो दोबारा हमसे पासवर्ड मांगेगा 123। ओके, तो अगेन ये भी वही कह रहा है कि सेम एग्जिस्ट कर रही है फाइल, तो आप इसको आप येस टू ऑल करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, तो हम रीनेम कर देते हैं और ओके कर देते हैं। रीनेम करने के बाद यहाँ न्यू 2 कर देते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं अगेन फाइल हमारी डिक्रिप्ट होके आ गई है, तो डॉक्यूमेंट एक्सेस हो गया। अब इनको हम सबको डिलीट करते हैं। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फीचर बताता हूँ इस जिप 7-Zip का और WinRAR का। तो उसी सेम फाइल पे हम राइट क्लिक करते हैं, 7-Zip पे जाते हैं। जैसे ही ऐड टू आर्काइव करेंगे यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको, क्रिएट SFX आर्काइव। SFX का फुल फॉर्म है सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग आर्काइव। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही मैं इसको क्रिएट करता हूँ, यहाँ पासवर्ड देता हूँ 123 123। इसका यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप इसको ओके करेंगे फाइल नॉर्मल 7-Zip की तरह आ जाएगी, बट ये एक्सट्रैक्टेबल फाइल है। मीन्स अगर आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं भी है 7-Zip या WinRAR, तब भी ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सिंपली मैं करके दिखाता हूँ। कंट्रोल पैनल में गया मैं, प्रोग्राम अनइंस्टॉल, यहाँ 7-Zip है, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ अपने सिस्टम से, अनइंस्टॉल। ओके, और मैं WinRAR को भी कर देता हूँ अनइंस्टॉल, कंटिन्यू, यस। ओके, दोनों मेरे सिस्टम से अब चले गए हैं। तो अब फिर भी ये फाइल ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। कैसे, डबल क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट, पासवर्ड पूछेगा 123। ओके ओके, ऑटो रीनेम, ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ऑटो रीनेम। ये हमारी कुछ फाइल आ गई है
तो न्यू वन आप डॉक्यूमेंट देख रहे थे एग्जिस्ट हो गई है फाइल हमारी। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल या फोल्डर किसी को भी जिप या अनजिप कर सकते हैं पासवर्ड से, और इवन एक्सट्रैक्टेबल फॉर्मेट में भी इसको फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।